तो दोस्तों फाइनली कल यहाँ पर रेडमी का K50 गेमिंग स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है रेडमी की तरफ से, और ये काफ़ी सस्ता गेमिंग स्मार्टफोन बन जाता है रेडमी की तरफ से आने वाला। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं जो कि एंड्रॉयड पर बेस्ड हो, तो यहाँ पर आप स्मार्टफोन को जरूर ट्राई करना, क्योंकि स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे आपको वैल्यू ऑफर कर देता है और काफ़ी कम प्राइस पर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका जो बेस रेंट है वो आपको अंडर 40 के देखने को मिल जाएगा, जबकि अगर हम किसी और कंपनी से स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये से ऊपर की प्राइस में या फिर 50,000 रुपये में ही इंडिया मार्केट में एक गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअल में स्मार्टफोन की क्या प्राइस होने वाली है, क्या कुछ स्पेक्स देखने को मिलेगी, इंडिया मार्केट में कब तक आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर रेडमी के K50 गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो मैंने देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि काफ़ी समय पहले रेडमी K40 गेमिंग स्मार्टफोन चाइना मार्केट में लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया मार्केट में पोको F3 GT के नाम से लॉन्च किया गया था। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो रेडमी का K50 गेमिंग स्मार्टफोन है वो इंडिया मार्केट में पोको F4 GT के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सही बात रहने वाली है, यहाँ पर पोको का एफ सीरीज का एक नया स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और स्मार्टफोन की स्पेक्स भी आपको काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पर स्मार्टफोन में आपको एक कमी देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे काफ़ी सारे स्मार्टफोन में दिखती है, रेडमी पोको शाओमी के स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा दिखती है। अब और कंपनियाँ जो है वो इस कमी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती, वो इसका सोल्यूशन लेकर के आती है। अब वो क्या कमी होने वाली है आगे वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। सबसे पहले हम स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है, पुराने K40 जैसा ही यहाँ पर आपको कुछ डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जिसमें पीछे की तरफ आपको ग्लासी बैक देखने को मिल जाता है, गेमिंग पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही पीछे की तरफ आपको ट्रिपल ईयर कैमरा, LED फ्लैश एंड रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब ये एक 5G स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर के साथ में आता है, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैमरा देखने को मिल जाता है ना, वो ट्रिपल ईयर होने वाला है, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा वो 64 MP का होगा। और सबसे कमाल की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको सोनी का कैमरा देखने को मिल जाता है, सोनी का IMX686 सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फ्लैगशिप सेंसर और काफ़ी अच्छी आपको जो है परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। साथ ही इसी के यहाँ पर आपको एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो तीसरा कैमरा देखने को मिलेगा वो 2 MP का माइक्रो कैमरा होने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाती है, जिसका लुक आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक LED ब्लिंकिंग लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के लिए पीछे की तरफ कैमरा में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा गेमिंग लुक स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर हम स्मार्टफोन डिस्प्ले वगैरह बात करें तो डिस्प्ले वाइज भी स्मार्टफोन आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में आपको काफी ज्यादा कमाल का लुक प्रोवाइड कराएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये डिस्प्ले का साइज होने वाला हो 6.67 इंचेस होने वाला है, एक 2K AMOLED डिस्प्ले होने वाला है। अब यहाँ पर 2K डिस्प्ले दिया गया, तो काफी कमाल के कलर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा और गेमिंग में भी आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल HD यानी कि 1080p की गेमिंग आप आराम से कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों बात करें रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पर इससे ज्यादा फेसेट की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी गेमिंग को लेकर के। साथ ही दोस्तों प्रोटेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो कोरियन के गोला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी फ्रंट और बैक दोनों ही जगह पर, तो प्रोटेक्शन में भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि JBL की तरफ से आते हैं, तो साउंड वगैरह भी यहाँ पर आपको काफ़ी जो है वो तगड़ी देखने को मिल जाती है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पीकर में ही काफ़ी अच्छी साउंड आ जाती है, इसमें आपको 4-4 स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। अब देखिए बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर के प्रोसेसर की, तो आप सभी जानते हैं गेमिंग स्मार्टफोन की सबसे मेन चीज़ होती है स्मार्टफोन का प्रोसेसर। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का 8th Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि अब तक का सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला, और ये प्रोसेसर आपको 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं आईफोन से, यानी कि iPhone 13 Pro Max को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई परफॉर्मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दोनों स्मार्टफोन सिमिलर से आपको परफॉर्मेंस जो वो प्रोवाइड करा देंगे। हाल ही में यहाँ पर ASUS ने ROG फोन 5S को लॉन्च किया, तो उससे भी ज़्यादा बेहतर ये स्मार्टफोन आपको परफॉर्मेंस जो वो प्रोवाइड करा देगा। हालांकि यहाँ पर आपको जो ट्रिगर है ना वो बटन वाले देखने को मिलते हैं, ASUS की तरह एयर ट्रिगर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते, दोनों ही साइड में यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में आपको बटन वाले ट्रिगर देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह आपको रेडमी K40 यानी कि पोको F3 GT में देखने को मिल गए थे। मैग्नेटिक ट्रिगर यहाँ पर पोको रेडमी इनको कहता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन के OS की, तो यहाँ पर MIUI 13 देखने को मिल जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर Android 12 आपको देखने को मिल जाएगा।
जाता है। अब जो मैं यहाँ पर आपको कमी बताने वाला हूँ वो है स्मार्टफोन के डिज़ाइन को लेकर के ही। अब देखिए स्मार्टफोन आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा जबकि इस स्मार्टफोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। अब ये मुझे इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी कमी लगती है क्योंकि जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ना वो आपके स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और आप सभी जानते होंगे कि ड्यूरेबिलिटी में अक्सर स्मार्टफोन वहीं से फेल होते हैं जहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो आपकी क्या राय है, क्या इस कमी को आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर इग्नोर नहीं कर सकते, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हम स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 20 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिल जाएगा सेल्फी कैमरा के लिए, जो कि सोनी का IMX596 सेंसर होने वाला, तो सेल्फी भी आपको काफ़ी कमाल की जो है वो देखने को मिल जाती है। बात करें स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर के तो यहाँ पर स्मार्टफोन में दोस्तों आपको जो बैटरी देखने को मिल जाएगी वो 4700 mAh की होने वाली है। हालांकि बैटरी यहाँ पर आपको थोड़ी छोटी देखने को लग सकती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है 120 W का होने वाला है, जो कि आपके स्मार्टफोन को अराउंड 16 से 17 मिनट में, यानी कि अंडर 20 मिनट में ही आपका स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। बस जल्द से जल्द ये स्मार्टफोन पोको F4 GT के नाम से इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। अब देखिए इसके बारे में भी कोई कन्फर्म लॉन्च डेट निकल करके नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन आपको मार्च के एंड तक इंडिया मार्केट में जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये FCC सर्टिफिकेट साइट पर भी ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुका है, जिसका मॉडल नंबर आप डिस्प्ले पर देख ही पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग के लेकर के तो यहाँ पर स्मार्टफोन का आपको टोटल जो है वो 3 वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, जो बेस वेरियंट है वो 8 GB RAM प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसकी कीमत आपको 39,000 रुपये देखने को मिलती है। और जो सेकंड वेरियंट आपको देखने को 12 GB RAM प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसकी कीमत आपको 42,600 रुपये देखने को मिलती है। थर्ड वेरियंट है वो यहाँ पर आपको 12 GB RAM प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिलता है, जिसकी कीमत आपको 46,000 रुपये देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से एक्चुअल में काफ़ी अच्छे प्राइस पे स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है चाइना मार्केट में। अब इंडिया मार्केट में सेम इसी प्राइस पर आ सकता है, क्योंकि पोको का F3 GT स्मार्टफोन भी सिमिलर से ही प्राइस पर देखने को मिल गया था जिस प्राइस पर चाइना मार्केट लॉन्च किया गया था। तो आई होप उम्मीद यही रहेगी कि स्मार्टफोन अच्छी प्राइस पर इंडिया मार्केट लॉन्च हो और जल्द से जल्द लॉन्च हो, क्योंकि इंडिया मार्केट में पोको का F3 GT स्मार्टफोन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था और काफ़ी अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस उसने प्रोवाइड करा दिया था। आपकी क्या राय है इसी के रेडमी K50 गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके जो बताना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियोस रोजाना मिलते रहते हैं। अगर आप इसका रेडमी के 40 स्मार्टफोन के साथ कंपेरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जो बताना, अगर आपकी कमेंट आएगी तो मैं उसका कंपेरिजन वीडियो भी लेकर जरूर आऊंगा। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।